नमस्कार दर्शकों, सृजन के पथ नामक इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। ललित कला का वर्गीकरण या फाइन आर्ट्स का वर्गीकरण आज का विषय है। ललित कला या फाइन आर्ट्स से संबंधित चर्चा में फाइन आर्ट्स का अर्थ समझना आवश्यक होगा। फाइन लेटिन भाषा के फिनिश शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है एंड या फिनिश्ड थिंग। इस फिनिश्ड थिंग के साथ ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंसी भी जुड़ी है। इसी तरह फ्रेंच भाषा के फाइन शब्द का अर्थ है बियोक्स, जिसका अर्थ है ब्यूटीफुल। इसका अर्थ हुआ कि ललित कलाएं ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट और स्किलफुल क्रम है, जिसके द्वारा मानव अपनी भावों की अभिव्यक्ति सुंदर रूप में करता है। प्रारंभिक मनुष्य के पास स्वयं का शरीर ही भावाभिव्यंजना का उत्तम साधन था। उसके नेत्र, हस्तमुद्राएं, शारीरिक स्थितियां भाव अभिव्यंजना में एक महत्वपूर्ण साधन था। दूसरा साधन था प्रकृति से प्राप्त सामग्री, जिसका उपयोग करके चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला के रूप में भव्य कलात्मक रूप उत्पन्न होते रहे। ललित कलाओं का वर्गीकरण, माध्यमों, प्रस्तुतिकरण और आस्वादन के पक्ष की चर्चा करते समय आवश्यक हो जाता है कि इन सभी माध्यमों, प्रस्तुतिकरण और कौशल के संबंध में चर्चा की जाए। ललित कला और उपयोगी कला दो भागों में विभाजन संभव है। ललित कलाएं भावों का आधार लिए इस तरह से भावाभिव्यंजना करती हैं कि वह हृदय स्पर्शी और सौंदर्यपूर्ण होती हैं, जबकि उपयोगी कलाएं मानव के सुख साधनों और ज़रूरतों को पूरा करती हैं। ललित कलाओं पर चर्चा करते हुए दो परंपराएं सामने आई हैं, एक है पूर्वी परंपरा और दूसरी पश्चिमी परंपरा। पूर्वी परंपरा की बात करें तो भारत, चीन, जापान, फारस आदि देशों में प्रचलित कला मतों को ढूंढना होगा। प्राचीन भारत में कलाओं की संख्या 64 मानी गई। इन 64 कलाओं में सभी तरह की कलाएं मानी गई। धीरे धीरे एक और विचार डेवलप हुआ, जिसके कारण यह माना गया कि कुछ कलाएं परम ब्रह्म को इंद्रियों द्वारा ग्राह्य रूप में प्रस्तुत कर देती हैं। यह कलाएं उस परम ब्रह्म को इस तरह अभिव्यक्त करती हैं कि वे कलाएं अन्य उपयोगी कलाओं से स्वयं को अलग पाती हैं। सबसे प्रारंभिक विभाजन वभ्रुपुत्र पांचाल ने किया, उपयोगी या आश्रित कलाएं और स्वतंत्र कलाएं। धीरे धीरे स्वतंत्र कलाओं के रूप में उन ललित कलाओं को स्थान मिला जिसमें काव्य, वास्तु और संगीत कला थी। काव्य के अंतर्गत ही नाटक माना गया और वास्तुकला के साथ ही चित्रकला और मूर्तिकला जुड़ी रहीं। प्रारंभिक शास्त्रों में वास्तुकला के संबंधित शास्त्रों में ही मूर्तिकला और चित्रकला का स्वरूप सामने आया। माध्यमों की खोज करते हुए शुक्राचार्य ने सर्वप्रथम माध्यम की दृष्टि से कलाओं का विभाजन किया, जिसमें इंद्रियों के आधार पर कला को विभाजित किया गया। भारतीय कला परंपरा उस अर्थों, आध्यात्मिक चिंतन, प्रतीकात्मक रूपों के साथ जुड़ी रही जो संप्रेषण के उत्तम माध्यम थे। कलाओं के विभाजन में इस तरह भारतीय कला में कलाओं का स्वरूप प्रकट हुआ, जिसका मूल आध्यात्मिक चिंतन में था। स्वतंत्र कलाओं के रूप में काव्य, संगीत और वास्तुकला को स्थान मिला है, जिसमें वास्तु के लिए वास्तु ब्रह्म, काव्य के लिए शब्द ब्रह्म और संगीत के लिए नाद ब्रह्म की परिकल्पना की गई। इसके अलावा भरत मुनि का नाट्य शास्त्र कलाओं से संबंधित एक ऐसा शास्त्र था जिसमें नाट्य कला के साथ साथ ही नृत्य, वास्तुकला पर भी चर्चाएं मिलती हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण रस सिद्धांत था। यह रस सिद्धांत 8 रसों के साथ प्रतिपादित किया गया। अंत में शांत रस 9वें रस के रूप में जोड़ दिया गया। अर्थात कलाओं का विभाजन रस निष्पत्ति के आधार पर भी संभव था। रस सिद्धांत अपने आप में संपूर्ण
मानव के भावों और व्यक्तित्व का इतिहास है। एक अनुमान परक चिंतन कलाओं में सदैव प्रचलित रहा है कि अरूप को रूपाकार में कैसे बदला जाए। भले ही वह रूपाकार संगीत के रूप में हो, नृत्य के रूप में हो, वास्तु के रूप में हो, या चित्र या मूर्ति के रूप में, इस अरूप को रूप में बदलने की चाह मनुष्य की कला सृजन की मूल प्रवृत्ति है। 18वीं शताब्दी के एक संत दादू के काव्य में यह भाव बहुत सुंदर तरीके से प्रदर्शित हुआ है, जिसमें वह कह रहे हैं कि रूप पश्चाताप करता है कि काश में पदार्थ होता, सुरभि आह भरती है कि काश में पुष्प होती, शब्द पश्चाताप करता है कि मैं अर्थ होता। इसी तरह के भाव रविंद्रनाथ ठाकुर के गीतों में भी बार बार देखने को मिलते हैं, जिसमें वह कहते हैं कि मैं इस रूप के संसार में गोते लगाते हुए उस अरूप तक पहुंचना चाहता हूं। अर्थात कला का चिंतन एक आदर्श सौंदर्यपूर्ण और संस्कारित मानव की अभिव्यक्ति बन गया और एक साधना का स्रोत भी बन गया। धर्म के साथ कलाओं को जोड़ने का यह एक प्रबल कारण था। पूर्वी और पश्चिमी कलाओं में वर्गीकरण बहुत गहन रूप से विश्लेषण के बाद प्रस्तुत किया गया। अरस्तु ने कलाओं का विभाजन सर्वप्रथम प्रस्तुत किया, जिसमें अनुकृति के आधार पर और अनुकृति विहीन इमिटेटिव और नॉन इमिटेटिव के रूप में प्रस्तुत किया। अनुकृति मूलक में काव्य, नृत्य, संगीत, चित्र व मूर्ति आती हैं, जबकि नॉन इमिटेटिव में वास्तु और अन्य उपयोगी कलाएं। इसी प्रकार गति के आधार पर कलाओं का वर्गीकरण किया गया, जिसमें गतिशील या डायनेमिक, दूसरा स्थिर या स्टैटिक। ये दोनों गति या मूवमेंट के आधार पर होने वाले कलाओं के वर्गीकरण हैं। गतिशील में काव्य, नाटक, नृत्य, संगीत आते हैं, जबकि स्थिर में चित्र और मूर्ति को भी स्थान दिया गया है। अरस्तु ने गतिशील वस्तुओं में लय की भावाभिव्यंजना को अधिक महत्व दिया था और साथ ही एक सूत्र यह भी छोड़ा था कि दृष्टिगत या विजुअल आर्ट में भी, स्टैटिक आर्ट में भी लय की संभावनाएं होती हैं। अरस्तु की इसी विचारधारा से आगे चलकर इंद्रियों के आधार पर हीगेल, बोसांके, देलाक्रो आदि ने कलाओं के श्रव्य व दृश्य रूप में विभाजन प्रस्तुत किया था। श्रव्य कलाएं या ऑडिटरी आर्ट्स, दूसरा दृश्य कलाएं या विजुअल आर्ट्स, और तीसरा ऑडियो विजुअल आर्ट्स। श्रव्य कलाओं में काव्य व संगीत को स्थान दिया गया, दृश्य कलाओं में मूर्ति व चित्र को, श्रव्य और दृश्य कलाओं में नाटक व नृत्य दोनों को प्रस्तुत किया गया। ललित कलाओं के संदर्भ में हीगेल के विभाजन के आधार पर भी वास्तु, मूर्ति, चित्र, संगीत और काव्य की अभिव्यंजना प्राप्त होती है। यह पांचों कलाएं भी तीन वर्गों में रखी गई। पहला सिंबॉलिक, जिसमें वास्तुकला को रखा गया, दूसरा क्लासिकल, जिसमें मूर्ति कला को रखा गया, और तीसरा स्वच्छंद या रोमांटिक कलाएं, जिनमें चित्र, संगीत और काव्य को रखा गया। बाह्य माध्यमों के अधिकाधिक प्रयोग के कारण मूर्तिकला और वास्तुकला को स्थूल कलाओं के रूप में माना गया। चित्रकला, संगीत और काव्य में बाहरी माध्यम का निम्नतम प्रयोग होता है, इसलिए उन्हें सूक्ष्म कलाओं में रखा गया। सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति के लिए किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता न थी, बल्कि कलाकार स्वयं ही वह माध्यम है जिसमें कला का प्रकटीकरण हो रहा है। इस तरह मुख्यतः माध्यम, रचना पद्धति, गति, समय, अभिव्यंजना और इंद्रियों के आधार पर विभाजन प्राप्त होते रहे हैं, किंतु एक सीमा के बाद ये सभी विभाजन अपना अस्तित्व खो देते हैं, क्योंकि कलात्मक अनुभूति एक अखंड अनुभूति है जिसमें माध्यम कोई भी हो, किंतु दर्शक या श्रोता को उसी तरह कला का आनंद प्राप्त होता है जिस तरह कलाएं प्रस्तुत की जाती रही हैं। इन
आयामों से समय के अनुसार वैज्ञानिक संभावनाओं के साथ कलाओं के अर्थ व विवेचन भी बदलते रहे हैं। कलाओं में काव्य को पठन योग्य बनाने का एक प्रमुख कारण उसका पब्लिकेशन था। उस पब्लिकेशन के कारण काव्य एक पाठ्य वस्तु बन गई। इसलिए ललित कलाओं में वास्तुकला को टेक्निकल लाइन के साथ जोड़ दिया गया, तो ललित कलाएं जो हैं वो सिर्फ 5 मानी जा सकती हैं, जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य व नाटक को सम्मिलित किया जा सकता है। इस तरह ललित कलाओं का वर्गीकरण इन सभी विवेचनाओं के साथ अनेक अर्थों में प्रकट हुआ है। कलात्मक अनुभूति की अखंडता, सौंदर्य और आनंद की अनुभूति, लय का प्रकटीकरण कला का सार्वभौमिक सत्य है। अंतराल के पश्चात आपका स्वागत है। ललित कलाओं के वर्गीकरण में सबसे पहले चित्रकला पर चर्चा आवश्यक रहेगी। चित्रकला ही वह सर्वप्रथम प्रयास था जिसमें प्रकृति व अपनी भावनाओं को अभिव्यंजित करने के लिए एक तरीका ढूंढा गया। जिस तरह इस चित्र में माउंटेन को बताने के लिए या जल प्रवाह को बताने के लिए, सूर्य को बताने के लिए गोलाकार का प्रयोग हुआ है, और यही पहचान, यही सादृश्य लिपि का विकास में सहायक हुआ। इस लिपि के विकास में चित्रकला ने अहम भूमिका निभाई है। चित्र अपने आप में एक समतल धरातल पर बनाया गया आकार है, जिसमें रंग, रेखाओं, टेक्सचर और अंतराल में एक व्यवस्था स्थापित की जाती है। प्रस्तुत चित्र एक समतल धरातल पर बनाया गया चित्र है, जो रायकृष्ण दास ने जिस तरह चित्रों की परिभाषा दी, जिसमें समतल धरातल, भले ही वह लकड़ी का हो, भित्ती पर हो, कागज़ पर हो या कैनवास पर हो, उस पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गोलाई को बताना ही कला है या चित्रकला है। किंतु इसमें अभिव्यंजना पक्ष नहीं है, भावनाओं का प्रस्तुतिकरण कलाओं का प्रमुख ध्येय है और आनंद का अनुभव कलाओं का प्रमुख ध्येय है। चित्रों में रंगों की बात की जाती है। रंगों को प्रतीकात्मक रूप से पहचाना गया, भावनाओं के साथ जोड़ा गया और सादृश्य के आधार पर, अनुकृति के आधार पर रंगों का प्रयोग होता रहा। चित्र में रेखाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। वही संपूर्ण धरातल को प्रवाही व लयात्मक बना देती हैं। प्रस्तुत चित्र लयात्मक रेखाओं का सुंदर उदाहरण है। कलाओं के विषय में चित्रकला को सर्वप्रमुख स्थान दिया गया है, जिसमें विष्णु धर्मोत्तरम के चित्र सूत्र में यह चर्चा आई है, जिसमें लिखा गया है, कलानाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम मांगल्यम प्रथमम चैतद्गृहे यत्र प्रतिष्ठितम। अर्थात घर में चित्र की स्थापना मांगल्य या मंगल शुभकामनाओं को प्रकट करती है, और चित्र कलाओं में सर्वप्रमुख है और धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष को प्रदान करने वाला है। चित्रों की चर्चाओं में रंगों की भाषा, रूप का सौष्ठव, आकार का त्रिआयामी स्वरूप प्रकट होता है, जिसमें कलाकार अनुकृति भी करता है और अपने भावों को प्रकट भी करता है। प्रस्तुत चित्र लियोनार्डो दा विंची का प्रसिद्ध चित्र है, जिसमें मोनालिसा को प्रदर्शित किया गया है। यह अनुपम उदाहरण है यथार्थवादी शैली में बनाए गए चित्रों का, जिसमें किसी भी स्वरूप को इस तरह प्रस्तुत किया जाए, रेखाओं, रंगों, शेड एंड लाइट का इतना सुंदर प्रयोग हो कि वह जीवंत, चेतन व प्राणवान लगे। अर्थात
चित्र में भी प्राणवान होना, चेतनता होना, भावों का संप्रेषण होना एक प्रमुख विषय रहा है। चित्रों में यथार्थवादी शैली में मानवीय संरचनाओं को बनाना एक प्रमुख विषय रहा है, जिसमें रेनेसा के कलाकारों ने अतुलनीय कार्य किया है, जिसमें मानवीय संरचनाओं के कुछ गणितीय नियम भी स्थापित कर लिए गए। शेड एंड लाइट के द्वारा इस तरह रूप को प्रस्तुत किया जाने लगा कि चित्र में गहराई, गति और प्रवाह के भी दर्शन होने लगे। समतल धरातल पर सपाट रंगों से चित्र को सज्जित करने के पीछे एक धारणा यह थी कि अनुकृति या यथार्थ रूपों का अंकन ही चित्रकला नहीं है। कैमरे के आविष्कार के पश्चात यथार्थवादी शैली में बनाए गए चित्रों का महत्व अपेक्षाकृत कम होने लगा, जबकि मनोवैज्ञानिक व सामाजिक दर्शन के अनुसार कलाओं में विषय वस्तु और भावों को प्रकट करने का प्रमुख कारण व्यक्ति के मौलिकता व चिंतन परक अस्तित्व में ढूंढा जाने लगा। इसीलिए चित्रों में अमूर्तता, आकारों का सरलीकरण, विकृतीकरण और आकारों में भावाभिव्यंजना की वह शक्ति भर दी गई जो उन्हें चेतन और भावों के अधिक निकट बना पाती है। मूर्तिकला में भी वही नियम काम कर रहे होते हैं जो दृश्य कलाओं में अर्थात चित्रकला में भी सृजित होते रहे, किंतु मूर्तिकला प्रमुख रूप से एक त्रिआयामी स्वरूप है, जिसमें गढ़नशीलता, आयतन, टेक्सचर, रूप सौष्ठव कलाकार की कौशल पर निर्भर होता है। मूर्ति मार्बल, ग्रेनाइट, पत्थर, कांच, फाइबर, स्टील, लोहा आदि धातुओं से बनाई जाती हैं, जिसमें कलाकार अपने भावों को या अनुकृति के आधार पर बनाई गई कृतियों को गढ़नशीलता के आधार पर प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत मूर्ति माइकल एंजेलो की है, जिसमें पिएटा नाम की यह कृति मूर्तिकला का भावाभिव्यंजना की दृष्टि से भी उतना ही अनुपम उदाहरण है जितना कि इस कृति के रूप सौष्ठव का। मूर्तियों की परंपराओं को भारतीय दृष्टिकोण से देखने का प्रथम प्रयास यह मोहनजोदड़ो की कृति है, जिसमें यह नर्तकी नृत्य की मुद्रा में मूर्ति के रूप में प्रस्तुत की गई है। मूर्तिकला का प्रथम उदाहरण इस मूर्ति में उसकी मूवमेंट की गति को दर्शाता है, या मूवमेंट का तत्व सर्वप्रथम इस नर्तकी की मूर्ति में दिखाई देता है। तत्पश्चात अनेक मूर्तियों का सृजन प्रारंभ हुआ, जिसमें अधिकांश मूर्तियां नृत्य की मुद्राओं पर बनाई गईं। इसका अर्थ है कि चेतनता की खोज में, प्रवाह की खोज में या गतिशीलता की खोज में कलाकार ने मानव शरीर को नृत्य के रूप में इस तरह से अंकित किया कि वह कृति एक प्रवाहमयी लीनियर रिदम को प्रस्तुत करने का कारण बन पाई। ये सभी प्रस्तर में निर्मित नर्तकी की मूर्तियाँ मूर्तिकला के अनुपम उदाहरण हैं। इन्हीं मूर्तिकला के परंपराओं को आधुनिक युग में किस तरह से बदलाव में प्रकट किया गया, जहाँ कलाकार धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन से अलग हो अपनी मौलिक रूप सौष्ठव और अभिव्यंजना को प्रकट करने लगा, तब रूपों में थोड़े बदलाव आए और कलाकृतियां मूर्ति के रूप में त्रिआयामी स्वरूप में बहुत सुंदर रूप में प्रकट हुई। इसमें रूप में किंचित परिवर्तन कर दिया गया है, जो साधारण यथार्थवादी शैली में बनाए गए रूपाकार से यह किस तरह भिन्न होता गया। यह बात पहले भी प्रस्तुत की जा चुकी है कि यथार्थ रूपों में परिवर्तन भावों के अधिक निकट होता है। यह रूपाकार आधुनिक मूर्ति शैली का एक अनुपम उदाहरण है, जिसमें मदर एंड चाइल्ड को इस तरह प्रस्तुत किया गया है कि वह रूपाकार यथार्थ न होकर भी अभिव्यंजना की दृष्टि से अतुलनीय है। धातु में बनाई गई कृतियों में नए नए रूपाकार ढूंढे जाने लगे। विषय प्राचीन थे, किंतु उनको प्रस्तुत करने का
तरीका नया और मूर्ति शिल्पों में त्रिआयामी स्वरूप को इतने सुंदर तरीके से आकारों की गठनशीलता को उनके उभार को कटाव को प्रस्तुत किया गया कि कलाकार अपनी अभिव्यंजना में मूर्ति को अतुलनीय व प्रशंसनीय रूप से प्रस्तुत करता रहा। प्रस्तुत मूर्ति कांस्य की बनी है जिसमें रूपाकार आधुनिक शैली में इस तरह जीवंत हो उठे हैं और उसका सरोकार स्वयं मूर्ति के सौष्ठव में ही नहीं है बल्कि उसके आसपास जितना भी स्पेस या अंतराल है उसमें भी यह कृति अपने लयात्मक रूप के कारण सब जगह विस्तारित हुई प्रतीत होती है। रूप की योजनाओं में अनेक रूपों को स्थान मिला है, अनेक संभावनाओं को खोजा जा रहा है। रूप योजना मूर्तिकला का प्राण है जिसका अंकन जिसका निर्माण पत्थर कांसे या आयरन किसी में भी हो सकता है किंतु रूप सौष्ठव और गठनशीलता व उसका प्रभाव मूर्ति की विशेषता हो जाती है। प्रस्तुत रूपाकार आधुनिक शैली के ही कुछ उदाहरण हैं जिसमें आयरन से मोल्ड हुई कुछ आकृतियाँ किस तरह पूरे स्पेस को चलायमान कर देती हैं। छोटे छोटी आकृतियों को जोड़कर एक ऐसी इंस्टॉलेशन की तरह प्रस्तुति है जिसमें बाहरी वातावरण में ये सभी आकार अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं। ये कृतियाँ आधुनिक शैली में बनाई गई अनेक संभावनाओं की खोज में मूर्तिकार द्वारा प्रस्तुत की गई हैं जिसमें आकार के साथ ही मूर्ति का रेखीय रूप सामने आता है जिसमें एक रेखीय लय धरातल पर या वातावरण में किस तरह मूर्ति शिल्पों के द्वारा भी उत्पन्न की जा सकती है। विशालकाय मूर्तियां या विशालकाय स्वरूप ही मूर्तिकला का आधार नहीं हो सकते बल्कि रेखीय रिदम भी मूर्तिकला का एक प्रमुख तत्व है। पत्थर से उत्कीर्ण ये आकृतियाँ अपने नवीन रूपाकारों के कारण हृदयस्पर्शी हैं और कलाकार के कौशल व मौलिकता को प्रदर्शित करती हैं। स्थल विशिष्ट शिल्पों में इस तरह की कृतियाँ अनेक खुले स्थानों पर लगाई जाने लगीं जो प्रभाव में अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ थीं और प्रकृति की शक्तियों से स्वयं को बचाती रह सकती थीं। इस तरह इन सभी कलाओं पर यदि दृष्टि डालें तो चित्रकला मूर्तिकला ये दोनों कलाएं माध्यम पर आश्रित कलाएं हैं। माध्यम के बिना इनका अंकन संभव ही नहीं है किंतु इन दोनों में समान अभिव्यक्ति का कारण यह है कि इसके सृजन में वही नियम काम कर रहे होते हैं जो सभी कलाओं में काम कर रहे होते हैं। लय संतुलन सामंजस्य रूपगत सौष्ठव इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। सभी कलाओं में लय सामंजस्य और एकता और उनकी व्यवस्था यह प्रमुख नियम है। मूर्तिकला चित्रकला के अलावा संगीत नाटक और नृत्य कलाएं ललित कलाओं में प्रमुख कलाओं के रूप में गिनी जाती हैं। अगले एपिसोड में नृत्य कला संगीत कला और नाटक कला पर चर्चा होगी जिसमें कलाओं का स्वरूप विभिन्न माध्यमों आस्वादन और अभिव्यक्ति के कारण किस तरह अलग अलग होता है किंतु कलात्मक अनुभूति सभी माध्यमों और प्रस्तुतियों में एक सी होती है।